इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया है। इसमें 6 छात्र घायल हो गए हैं। छात्र नेता विवेकानंद पाठक को सुरक्षाकर्मियों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी किए। घंटे भर में यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में बदल गई। मामला बेकाबू हो गया। पुलिस को भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम संजय कुमार खत्री, पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरे जिले की पुलिस बुला ली गई। पूरा कैंपस को छावनी में तब्दील हो गया है। वही घायल छात्र नेता विवेकानंद पाठक खून से लथपथ कैंपस में अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल तो कराएंगे लेकिन इलाज तब तक नहीं कराएंगे जब तक पिटाई करने वाले गाड़ों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बयान जारी कर बताया कि कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से विश्वविद्यालय गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की गई। रोकने पर सुरक्षाकर्मियों से बदसलूकी और मारपीट की। इसके बाद उपद्रवियों ने झुंड बनाकर परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। इससे परिसर में भय और अराजकता का माहौल हो गया। उपद्रवी तत्व विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है। उपद्रवियों ने एक मोटरसाइकिल को आग लगाई, 2 शिक्षकों की कार के शीशे तोड़े, एक जनरेटर में आग लगाई, विश्वविद्यालय की कैंटीन में आगजनी की। इसके साथ ही वे फायरिंग भी कर रहे थे। गैराज से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, साथ ही साथ 10-15 और छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने हमला किया है। और जबकि असिस्टेंट प्रॉक्टर जो है वो आए थे, बातचीत हो गई थी, सारे लोग वापस जा चुके थे। हम भी अपना आराम से यहाँ पर छात्रों के साथ बैठ के बातचीत किए, लेकिन गिरोह बंद ढंग से ये लोग पूरा साजिशन जानलेवा हमला करने आए थे। विवेकानंद पाठक। ठीक हाँ सर, क्या घटना हुई थी और क्या इस समय हालात हैं? ये इंद्रजीत बाहर आ रहा तुम्हारा यार, क्या करते थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं छात्र संगठन के पास, यहाँ पे सभा के शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है, इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, वजह पता चली किस बात में? अब पूरी तरह नियंत्रण है क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है, तो फिर अभी मैं और चीज़ें क्लियर कर बताता हूँ। प्रथम सूचना इतनी है कि गार्ड्स पीछे के बीच में किसी बात को लेकर छड़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल चल रही है, उसके उसका है नियंत्रण कर लिया गया है और फायर की गाड़ी आ गई है, उन्होंने उसको नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। गार्ड द्वारा गोली भी चलाई गई। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। धन्यवाद। खत्म हो गई है, उसमें बुझाने से कोई मतलब नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।